पास बताओ समेशन क्यू अपॉन वन, हाँ एप्सिलॉन नॉट, या बोले समेशन क्यू को जब टोटल चार्ज को सॉल्व करूँ तो आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या है बेटा, बात करिए कोई अपने क्लोज सर्फेस लिया, सोच पा इसके अंदर बुरी बात करें क्यू वन क्यू टू डिफरेंट चार्ज रखे थे, क्यू वन प्लस है, क्यू टू बुरी बात करें प्लस है, क्यू थ्री प्लस है, क्यू वन क्यू फोर माइनस है, क्यू फाइव माइनस है, इन सभी चार्ज बुरी बात करें अपने जोड़ा मतलब इनके एल्जेब्रिक सम किया, तो इन सब का एल्जेब्रिक सम करने के बाद कितना चार्ज आया क्यू आया, इस क्यू चार्ज को बुरे अपने इसके सेंटर पर रखा सोच पा, या फिर ये अलग अलग चार्ज नहीं है दीदी बात करें टोटल अपने क्यू ही चार्ज मान लिया, ये सारा चार्ज कहाँ रखा इसके सेंटर पर रखा सोच पा रहे हो ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से बेटा बात करें क्या होगा कि अगर कोई अगल बगल में कोई चार्ज आया होगा टेस्ट चार्ज सोच पा रहे हो, तो इसको क्या रिपेल करेगा, मतलब जो चार्ज बुढ़े बात करें मतलब जो प्रिंसिपल चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज को रिपेल करने की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है सोच पा रहा हाँ कि ना, मतलब इस प्रिंसिपल चार्ज के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड बुढ़े बात कर देखा आपने ये सारे के सारे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा होता है बेटा बात करें रेडियली आउटवर्ड होता है। टोटल इन सबको सॉल्व करने के बाद आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज आया तभी तो रेडियली आउटवर्ड निकाला आपने, नहीं समझे आप, आपने देखा ना यहाँ पे हमने सेंटर पे क्या रखा पॉजिटिव चार्ज, कहीं तो कई लोग ऐसा माने कि माइनस की वजह से इनवर्ट होगा, हमने इन सबका एल्जेब्रिक सम किया बुरे बात का टोटल चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो हमने क्या देखा टोटल पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास जो हाँ जो बुरे बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी रेडियली आउटवर्ड होगी, तो आपने देखा हर तरफ रेडियली आउटवर्ड है सोच पा रहे। इसके बाद हमने क्या देखा बेटी बात कर एक छोटा सा एरिया लिया, इस छोटे से एरिया को अपने क्या बोला बेटा बात कर डीएस बोला स्मॉल एरिया बोला, और ये जो अपने सरफेस बनाई बेटा इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, बेटा बात कर इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सरफेस होती है ये सोच पा रहा हूं, ये गॉसियन सरफेस बोलो या बेटे बोल सकते हैं क्लोज सरफेस, ये कैसे होती है हाइपोथेटिकल सरफेस होती है। तो इस स्मॉल एरिया की वजह से बेटे बात करें हमारे पास बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जो इससे गुजर रही होगी बुढ़े बात कर, और इसके बेटा बात क्या अपन क्या निकालते हैं हमारे पास बताओ एरिया बुढ़े बात के वेक्टर, एरिया वेक्टर हमेशा स्मॉल एरिया कैसा होगा परपेंडिकुलर होगा, आपने इस पॉइंट पे बुढ़े इतने छोटे सी एरिया की वजह से अगर निकालना चाहा तो हमने देखा कि इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है सेम डायरेक्शन है, मतलब जीरो डिग्री के एंगल पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बुढ़े बात करें किसी चार्ज की वजह से क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है सोच पा रहे। अब हम क्या करते हैं बेटा बात करें इस बुढ़े बात करें इसको इसके बारे में प्रूफ करते हैं सोच पा रहे, मतलब हम क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं गॉसियस थ्योरम को कूलम की हेल्प से क्या कर रहे हैं प्रूफ कर रहे हैं। तो अपने क्या देखा बेटा बात कर फाइव प्लस टू क्या होता है देखो यहाँ पर डीएस लिया ना छोटा चार्ज, तो बेटा बात कर छोटे चार्ज का वेक्टर हमारे पास लिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लिया और बुढ़े बात कर उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर दिया आपने इंटीग्रेशन कर दिया ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन किया बुढ़े बात कर हमारे पास तो बताओ डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए क्या लिया कॉस लिया, और कॉस बुढ़े बात के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और बेटे बात कर एरिया के वेक्टर के बीच में एंगल कितना जीरो डिग्री क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो बेटा बात कर कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आती है वन इंटू बेटा बात कर इंटू डीएस करोगे तो इंटू डीएस आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बुढ़े बात कर कैसे होती है कॉन्स्टेंट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है बुढ़े बात कर चार्ज पर और इसमें बेटे बात कर रेडियस पे, चार्ज यहाँ बुढ़े कॉन्स्टेंट है और रेडियस भी क्या बेटा बात करें कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब बुढ़े बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को बुढ़े बात के बाहर निकालो टोटल ऐसे छोटे छोटे चार्ज के जब हमने इंटीग्रेशन किया तो बुढ़े बात कर टोटल कितना चार्ज आ गया कैपिटल है, कितना है बेटा टोटल चार्ज कितना निकल के आ गया कैपिटल है, तो बुढ़े बात कर ये निकाल दिया ई की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रखी की ए की वैल्यू बात कर देखो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ए की वैल्यू बुढ़े कितनी रखी अपने फोर पाई आर स्क्वायर रखी, तो बताओ फोर पाई से फोर पाई निपट गया आर स्क्वायर से आर निपट गया बुढ़े बात कर कितना बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। इसको बुढ़े बात के जब आपने ये प्रूफ कर लिया तो अब हम डेफिनेशन दे देते हैं, डेफिनेशन का मतलब क्या बेटा बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच इज पासिंग ओवर द एनी क्लोज्ड एरिया सोच पा रहे इस वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ बेटा बात करें टोटल चार्ज बुढ़े बात का व्हिच इज प्रेजेंट कहां पे इनसाइड ऑफ सरफेस या क्लोज सरफेस, दूसरा बुढ़े बात कर बोला दूसरे तरीके से बोल सकते हो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा बात का व्हिच इज रिलेटेड टू क्लोज सरफेस इज वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ बेटा बात करें टोटल चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ क्लोज सरफेस, बुढ़े बात का तीसरी डेफिनेशन आपको देनी है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको दे सकते हो, इसका मतलब बुढ़े बात का इसको बढ़ा हुआ पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बुढ़े बात इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन किया किसके रिस्पेक्ट में बेटा बात करें एरिया के रिस्पेक्ट में, वो एरिया कैसे बुढ़े बात करें क्लोज एरिया है, तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें द क्लोज्ड हमारे पास एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें समझ पा रहे इस वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स और बेटा बात करें टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ क्लोज सर्फेस, इसके रिस्पेक्ट में बोले बुढ़िया द टोटल देखो बेटा आपने देखो यहां देखो क्या लिखा बुढ़िया बात करें द क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस बुढ़िया बात करें वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स तो बेटा बात करें टोटल समझ पा रहे टोटल एल्जेब्रिक सम या बुढ़िया बात करें एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्जेस बेटा बात करें विच इज इनक्लोज्ड इन क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखे टोटल चार्ज के की बात करें बीजगणितीय योग के वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है,
तो इस तरीके से गुड़िया बात के हमारे पास क्या आ गया, गॉसेस थ्योरम। अब क्वेश्चन गुड़िया बात करिए आता है कि ये कौन सी सर्विस थी जिसको आपने हाइपोथेटिकल सर्विस बोला, आपने बोला गॉसियन सर्विस बोलते इसको। ये हाइपोथेटिकल सर्विस गुड़िया या गॉसियन सर्विस होती क्या है, क्या होती गॉसियन सर्विस? गॉसियन सर्विस गुड़िया बात करें, एक ऐसी सर्विस होती है जिसके हर एक पॉइंट पर, चाहे आप यहां निकालो जैसे आपने यहां निकाला, वैसे यहां दीदी बात कर निकालो, चाहे आप यहां निकालो चाहे यहां निकालो, मतलब गॉसियन सर्विस वो सर्विस होती है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का मान समान होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड समान नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का मान समान होता है, क्योंकि बेटा इनकी डायरेक्शन तो दीदी अलग अलग है। अगर तुम इस पॉइंट पे निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, इस पॉइंट पे निकालो तो फील्ड डायरेक्शन गुड़े बात कर नीचे जा रही है, इस पॉइंट पे निकालो उधर जा रही है। पर इन सबकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1/4 πε0 q/r² रहेगी। लिखना स्टार्ट करो बेटे, बात करें गॉसियन सर्विस, लिखो गॉसियन सर्विस, द सर्फेस विच हैविंग सेम वैल्यू ऑफ, द सर्फेस विच हैविंग सेम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड गॉसियन सर्फेस। गॉसियन पृष्ठ दीदी एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसकी सतह पर, ये जिसकी सतह के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, दिशा नहीं, मान समान होता है। ब्रेक में लिख लेना, दिशा नहीं, डायरेक्शन नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट, ये गुड़े बात क्या, सेम एट ऑल पॉइंट, याद रहेगा ठीक। ये तो गुड़े बात हमारे पास हो गई गॉसियन सर्फेस। अब क्वेश्चन आता है गुड़े बात करिए कि ये गॉसियन जो आप लगाते हो ना बेटा, बात करें, देखो बोलो आपने क्या लगा बेटा, बात करें, ये गॉसियन थ्योरम जो आपने लगाई ये कहां लगती है, गॉसियन प्रमेय, गॉसियन थ्योरम बंद प्रश्न तो लगती है, वो ठीक है, लगती कहां है, ऐसी कौन सी बेटा बात करी, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में लिखा आपने बेटा, बात करें बोलो इसको लिखा, किसको लिखा बताओ, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा कि लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलो बात करिए, आपने गॉस थ्योरम लिखी, क्या लिखी बेटा बात करें, गॉस थ्योरम, तो इसको क्या लिखा आपने, फाई इलेक्ट्रिक गुड़े बात करें फ्लक्स लिखा, तो उसने लिखा इसको टू, क्या लिखा गुड़े आपने, 1/ε0 टाइम्स, ऐसा भी तो लिख सकते गुड़े बात करें, किसका ऑफ टोटल चार्ज, लिखा नहीं लिखा, मतलब समेशन ऑफ गुड़े बात करें चार्ज, लिखा नहीं लिखा, जरा गुड़े बात करें, देखो 1/ε0 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, गुड़े बात करें के बराबर होता है 1/4 πε0, ε0 को ले जाओ तो कितनी आ जाएगी बताओ गुड़े बात करें, 1/ जल्दी सोचो, अरे ε0 की वैल्यू ε0 के इधर ले जाओ ना, तो गुड़े बताओ क्या आ गया, 1/4 πk, मतलब गुड़े बात करें 1, तो अगर ε0 की वैल्यू बेटा ये है कितनी है बोलो बताओ, 1/4 πk, तो बताओ बोलो बात करें 1/ε0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4π क्या जाएगी, तो आप इसको क्या लिख सकते थे बोलो बात करें बताओ, हम इसको लिख सकते थे 4π k बेटा बात करें क्या, समेशन ऑफ बेटा बात करें क्या टोटल चार्ज, समेशन ऑफ चार्ज, तो समेशन ऑफ चार्ज ही तो टोटल चार्ज आएगा, या आप टोटल चार्ज लिख दो गुड़िया। लेकिन अगर यही बेटा आप कहां लगा दो गुड़िया बताओ, गॉसियस थ्योरम गुड़िया बात करें इन ग्रेविटेशनल फील्ड, गॉसियस थ्योरम कहां लगाई आपने, ग्रेविटेशनल फील्ड में, अगर गुरुत्वाकर्षण गुड़िया बात करें बल में लगे, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में लगाई, समझ पा रहे, ये तो अपने विद्युत क्षेत्र में लगाई, ये लगा रहे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, तो गुरुत्व की बात करें गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए, ग्रेविटेशन फील्ड के लिए जो गुड़िया बात करें हमारे पास क्या है, गॉसियस थ्योरम आएगी, वो क्या आएगी, इन ग्रेविटेशनल फील्ड गुड़िया बात करें जो गॉसियस थ्योरम होगी बताओ कितनी आएगी, तो हमारे पास गॉसियस थ्योरम मतलब क्या बोलेंगे आप बताओ, जल्दी बोलो, जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, जरा देखा बोलो, यहाँ 4π है कि नहीं, 4π के यहाँ दीदी बात करें कितना आएगा, 4π g, कितनी आएगी दोस्त, 4π g, समेशन ऑफ बेटा बात करें क्या चार्ज, क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये बेटा बात कर बोलू कहां लगता है, ये लगता है ग्रेविटेशन फील्ड में, इसका मतलब कंडीशन देखो गुड़िया बात कर, या तो लगाया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लिखा पास पास कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, या लगाया गुड़िया बात करें ग्रेविटेशन फील्ड में, लेकिन कहीं और लगा सकते क्या, कहीं और लगा सकते क्या, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो बेटा गॉसियस थ्योरम इज एप्लीकेबल, इज अप्लाइज टू ऑल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, गॉसियस दीदी बात करें प्रमेय हमेशा संरक्षी बल क्षेत्रों पर लगती है, दैट ओबे, जो कि दीदी किसको पालन करते हैं, किसका पालन करते हैं, दैट ओबे फर्स्ट गुड़िया बात करें, फर्स्ट किसका पालन करें, उन गुड़िया बात करें कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पर लगेगी गॉसियस थ्योरम, जो गुड़िया बात करें किसको पालन करें, दैट ओबे या विच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, किसको फॉलो करें दीदी बात करें,
व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करें। किसका पालन करें बेटा? व्युत्क्रम मतलब 1/r² का। तो बेटा बात करें विच ओवे या दैट ओवे, बेटा बात करें इनवर्स स्क्वायर लो। क्या लिखा बेटा बात करें? इनवर्स स्क्वायर, बेटा बात कर लो जो इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो करें। और दूसरा बेटा बात करें कैसे हो, फील्ड आर कंजर्वेटिव, फील्ड कैसे होती बात करें, संरक्षित मतलब ये संरक्षित क्षेत्र हो। कैसे क्षेत्र बेटा बात करें? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो मतलब संरक्षित बल क्षेत्र हो, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड हो, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड या कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। दीदी याद रखना गॉसियस थ्योरम की बात दो जगह ही लगेगी, जो गुड़िया बात करे जो कंजर्वेटिव हो, और जो दीदी किसको फॉलो करे बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे, ठीक है, ये गुड़िया बात करे कंडीशन आती है। तो बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो बताओ गॉसियस थ्योरम क्या होगी, बताओ बेटा बात करें फ्लक्स इक्वल्स टू, अब ये दीदी बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी बार में जरूरत है, फ्लक्स इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ बेटा बात करें, 1/ε टाइम्स गुड़िया बात करें टोटल चार्ज, दीदी बात उसको लिख सकते हैं 1/ε की वैल्यू कितनी होती है 4πk, दीदी बात करो टोटल चार्ज, सोच पा रहे हो, और गुड़िया बात करें ग्रेविटेशन के लिए कितनी आ जाएगी 4πg टोटल चार्ज, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 4πg इनटू टोटल चार्ज लिखोगे नहीं लिखोगे, और 4π बेटा बात करके इनटू टोटल चार्ज लिखोगे नहीं लिखोगे। इसके लिए अगर अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, देखो क्वेश्चन कितना पड़ेगा, अगर आपको बस बेटू बात करें गॉस थ्योरम का फॉर्मूला आता है, तो ऐसा हो सकता है गुड़िया बात करें कि जैसे अपने आपको क्वेश्चन दिया, क्या दिया कि बताओ कोई क्लोज सर्फेस है उसके सेंटर बेटा चार्ज कितना रखा है, गुड़िया बात करें बताओ चार्ज दिया था, क्या दिया था चार्ज, कितना दिया था गुड़िया, चार्ज दिया था आपको 176 दिया था ना, 176 दिया था ना, 176 क्या माइक्रो कूलम, और बोला था बेटू बात करें इस क्लोज सर्फेस से गुजरने वाला गुड़िया बात कर टोटल फ्लक्स बताओ, है ना, तो टोटल फ्लक्स दीदी बता सकते हैं क्या, अपन बता सकते हैं फाइव इक्वल्स टू क्या होता है Q/ε0 होता है कि नहीं होता, गुड़े बताओ कितना दे रखा था, 176 × 10⁻¹ हमारे पास क्या आ जाएगा बेटू बात कर -6 कूलम, 1 μC इक्वल्स टू क्या होता है 10⁻¹⁶ कूलम, इसके अपॉन बेटा बात करें 1/ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.3 बात करें 85 × 10⁻², कितना आ जाएगा पता बेटू बात करें जी, माइनस का 12 गुड़े बात करें क्या याद है यूनिट, कूलम स्क्वायर अपॉन दीदी बात करें क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगर याद आ रहा है कुछ पक्का याद आ रहा है, ठीक है गुड़े बात करें एक कूलम से एक कूलम कट जाएगा, बहुत अच्छे दोस्त, तो बताओ यूनिट क्या आ जाएगी बताओ गुड़े बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दीदी बात करें बहुत जाना दो यूनिट कोई दिक्कत नहीं निकाल ही लोगे आप लोग तो, लेकिन इसको बगैर बेटू बात करें पॉइंट को दीदी हटाते हैं मतलब 5 को हटाते हैं, क्योंकि बताओ 5 को सॉल्व करना था ना, 5 को जब गुड़े बात करें भाई हटाते हैं पॉइंट के बाद अगर 5 हो उसके आगे दीदी बात करें कोई इवन नंबर लगाओ तो उसको हम चेंज नहीं करते उसको बेटा ऐसे ही हटा देते हैं, सोच पा रहे हैं, इसलिए सोच समझ के क्वेश्चन का दिया आंसर, दीदी बात करें दिया था आपको 176, अब बताओ 8.8 गुड़े इसका एक पॉइंट उड़ाओ आप, सोच पा रहे हैं इसका पॉइंट हटाओगे तो बेटू बात की कितना होगा -13 बन जाएगा, नहीं समझ में आ रहा, अब ये अल्टीमेटली कितना आएगा बताओ 88 गुड़े बात के 2 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 176 आएगा, अरे आएगा 8 × 16 80 का मतलब यदि 160 होता है और 8 × 16 गुड़े बात मतलब 176 आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें मतलब कितना आ गया 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, अब 2 टाइम्स कैंसिल हो तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया, अरे आया कि नहीं आया इनटू नीचे से गुड़िया बात क्या बताओ ऊपर की -6 से -6 कैंसिल हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, और नीचे गुड़िया बात के पावर कहाँ चलेगी ऊपर चलेगी, मतलब कितना आ रहा है 10⁻⁷ आया कि नहीं आया, ये दीदी बात का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, समझ में आ रहा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ऐसे सड़े से क्वेश्चन गुड़िया बात के दे सकता है तो हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, चलो नोट करके फर्स्ट पॉइंट करो, कुछ स्पेशल पॉइंट दीदी बात करें किसके लिए, गॉस थ्योरम के लिए, लिखो बेटा बात, तो पहला पॉइंट लिखो नोट करके, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ, शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस, याद रहेगा बंद पृष्ठ की दीदी बात करें आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सर्फेस, याद रहेगा बेटू, ठीक है, इसका मतलब क्या है गुड़िया बात करें, देखो जरा अगर मैंने आपको ये सर्फेस ऐसी दी, देख रहे बेटू बात करें ये सर्फेस ऐसी है, इसके अंदर भी दीदी बात करें पता है कितना है चार्ज क्यू ही है, ये दूसरी सर्फेस से गुड़िया बात करें सोच पा रहे इसके अंदर भी चार्ज कैसा दोस्त बताओ क्यू ही है, ये गुड़िया एक तीसरी सर्फेस है, सोच पा रहे दोस्त इसके अंदर भी चार्ज क्या बताओ गुड़िया क्यू ही है, और ये गुड़िया बात करें हमारे पास कैसी दे रखी है आपको बेटू बात करें क्लोज सरफेस ही है ना, ठीक है ये इस तरीके से दे रखी है, इसके अंदर बताओ गुड़िया बताओ हमारे पास चार्ज कैसा है क्यू ही है,
अगर गुड़िया बात करें इनका शेप दिख रहा आपको, इसका गुड़िया बात के शेप अलग है, शेप अलग है, शेप अलग है, और साइज भी गुड़िया देखो इसका दिख रहा आपको, बड़ा साइज छोटा साइज गुड़िया और डिफरेंट साइज, शेप और साइज अलग अलग है, पर चार्ज डिफरेंट है। पर चार्ज कैसे दोस्त, डिफरेंट है कि सेम है? चार्ज सेम है, चार्ज का मान समान है, पर गुड़िया शेप और साइज कैसे है, डिफरेंट है। तो गुड़िया बात करें इस कंडीशन में भी अगर पूछे तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स क्या, इसका फ्लक्स क्या होगा, तो अगर गुड़िया बात करें इसको मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, बेटा ये क्या है, डी है। इस कंडीशन में भी गुड़िया बात करें फ्लक्स का मान क्या होगा, समान होगा। फ्लक्स की वैल्यू जैसे अपने गुड़िया बोलो तो ए की फाइव ए बराबर क्या होगा बेटा, बात करें फाइव बी बराबर क्या होगा, मतलब गुड़िया बात करें फाइव सी बराबर क्या होगा बेटा, बात करें फाइव डी, मतलब बेटा बात करें ए का फ्लक्स बी ऑब्जेक्ट का फ्लक्स या गुड़िया सी क्लोज सरफेस का फ्लक्स और डी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो समान होगा। और इन सब की वैल्यू गुड़िया बात करें कितनी आएगी बताओ बेटा, बात करें क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ रहा नहीं आ रहा था, आपने बोला था किसी भी क्लोज सरफेस से गुड़िया बात करें गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गुड़िया बात करें क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज का क्या होता है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसका मतलब बेटा कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे आपको देखना है गुड़िया जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है, जो फ्लक्स की वैल्यू है वो केवल दो चीजों पर डिपेंड करती है गुड़िया बात करें, एक तो हमारे पास चार्ज, एक गुड़िया बात करें हमारे पास क्या परमिटिविटी ऑफ गुड़िया बात करें वैक्यूम, और परमिटिविटी वैक्यूम गुड़िया बात करें फिक्स होता है। अभी आपने लिखा 8.85 बेटा बात करें 20 12, तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट तो डिपेंड किस पे करेगा, चार्ज पे, मतलब केवल केवल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं बेटा, बात करें दूसरा क्वेश्चन गुरु बात करें दूसरा पॉइंट बेटा बात करें, ये नोट कर लो क्या, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा बात करें हमारे पास, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर गुड़िया बात करें आपने लिखा कि कोई क्लोज सरफेस है दोस्त, सोच पा रहे कोई क्लोज सरफेस है, दीदी बात करें इसके अंदर चार्ज है क्या बेटू, बात करें इसके अंदर चार्ज है क्यू वन क्यू टू गुड़िया बात करें क्यू थ्री और माइनस क्यू फोर, सोच पा रहे जहां बाहर चार्ज है गुड़िया बात करें माइनस क्यू फाइव और गुड़िया बात करें सोच पा रहे इस पॉइंट पर रखा है बेटा बात करें क्या क्यू सिक्स, जिसके अंदर क्वेश्चन लगा इसका मतलब प्लस है, सोच पा रहे। तो अगर कोई पूछे बताओ गुड़िया बात करें इस क्लोज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा बात करें वाई कैनी क्लोज सरफेस, सोच पा रहे इस वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स बेटा बात करें ऑफ क्या बेटा बात करें सोचो टोटल बेटा बात करें चार्ज विच इज प्रेजेंट बेटा बात करें इनसाइड ऑफ सरफेस, समझ पा रहे आउटसाइड पे डिपेंड नहीं करेगा, जो बेटा बात करें बोलू स्फीयर के बाहर चार्ज होता है उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब आपका जो फ्लक्स है बोलू बात का समीशन करो बेटा इस चार्ज का, जो आपके पास क्यू चार्ज को जोड़ोगे 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 तो बताओ कितना आ जाएगा बेटा, गुड़िया बात करें ऊपर कितना चार्ज है हमारे पास दिख रहा है आपको, प्लस गुड़िया बात करें क्यू वन प्लस गुड़िया बात करें क्यू टू माइनस गुड़िया बात करें क्या है बेटा अच्छा प्लस का क्यू थ्री और माइनस के कितना दोस्त क्यू फोर अपॉन कितना आ जाएगा दोस्त बताओ हमारे पास, देख रहे हैं गुड़िया बात करें एप्सिलॉन नॉट आगे कि नहीं आगे, इन सभी चार्ज को गुड़िया जोड़ दो और इन जोड़ने के बाद उसमें बारह पर एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन नॉट का क्या कर दो भाग लगा दो गुड़िया बात करें, या इन सभी चार्ज में बारह पर एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन का भाग लगाना बारह पर एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी गुड़िया फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स इसका होगा। मतलब अपन क्या बोल सकते बेटू बात करें द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डस नॉट डिपेंड ऑन Does not depend on charge which is present बेटा बात करें which is located outside the closed surface. किसी closed surface के बाहर बेटू जो charge होता है उस पे किसी भी गुड़िया बात करें उस सरफेस का फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, तो केवल किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड किस पे करना है गुरु बात करें ये कौन सा चार्ज है बेटा बात करें विच इज लोकेटेड इनसाइड, कहां गुरु ये लोकेटेड इनसाइड ऑफ स्फीयर या इनसाइड ऑफ बेटा क्लोज सरफेस, इनसाइड ऑफ क्लोज्ड सरफेस, कितने अच्छे आप लोग। अब गुड़िया बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये हमारे पास थर्ड सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट बताओ गुड़िया बात करें क्लोज सरफेस है, इसके बाद यदि बात करें क्यू वन चार्ज है माइनस क्यू टू है प्लस क्यू थ्री है गुड़िया बात करो माइनस क्यू फोर है सोच पा रहे प्लस क्यू फाइव है, बताओ गुड़िया बात करें इस क्लोज सरफेस की वजह से इसकी रेडियस दीदी बात करें आर है, सोच पा रहे इस क्लोज सरफेस का गुड़िया बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अगर कोई आपसे पूछे बेटा बात करें इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, कैसे बोला आपने, क्योंकि बेटा बात करें क्या होता है अल्टीमेटली क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है और क्यू की वैल्यू क्या है वो जीरो है, किसने कहा क्यू की वैल्यू जीरो है, तो सही क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर ये क्लोज सरफेस के बाहर है अंदर नहीं है, तो अगर गुड़िया बात करें क्लोज सरफेस के अंदर बताओ कुछ है क्या, नहीं है, मतलब चार्ज अगर क्लोज सरफेस के अंदर जीरो है तो बेटा क्यू की वैल्यू जीरो रखोगे आप, क्यू की वैल्यू क्या रख दी आपने जीरो, तो बेटा बात कर सोच पा रहे हो अब जीरो रखा है क्या आपने गुड़िया बात करें, जीरो ही ना,
जब आपको पता है बेटा बात करें कुछ है ही नहीं, गोलू बात करें जीरो है, तो डेफिनेटली आंसर कितना है कि जीरो ही आएगा, सही समझे क्या? अरे कुछ देखकर दिमाग में हो तो पूछो। आपने बोला कि ऊपर क्यू की चार्ज बेटा बात का वैल्यू जीरो है, नीचे बेटा बात के एप्सिलॉन की वैल्यू है, तो आपने देखा बात करें बेटा जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी करो आंसर तो जीरो ही आना है। इसका मतलब इस कंडीशन बेटा बात का गोलू फ्लक्स क्या आएगा आपका जीरो आएगा। तीन पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर बुढ़े बात करें क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना जीरो है, तो बेटा बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या जाएगा जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट बुढ़े बात करें फोर्थ पॉइंट क्या बेटा बात करें, अगर बुढ़े आपने देखा कि कोई हमारे पास ऐसी क्लोज सरफेस है दीदी, ऐसी कोई क्लोज सरफेस है, कैसी क्लोज सरफेस है? नहीं ऐसी तो है, पर ऐसी कैसी? क्यूब है। जिसकी गुड़िया बात कर पता है आपने क्या देखा, इक्वल गुड़िया बात करें फेसेस है, सेम फेसेस है, समझ पा रहे, मतलब आइडेंटिकल फेसेस है। आइडेंटिकल गुड़िया बात करके हमारे पास बेटा सतह है, समान सतह है, तो गुड़िया बात करें और हमने क्या बोला कि इसके बेटा सेंटर पे रखा है क्या क्यू चार्ज, क्या चार्ज रखा बेटा क्यू चार्ज, तो इसका गुड़िया बताओ टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा? यही तो बोलोगे अपन दीदी बात करें, किसी भी क्लोज सरफेस का गुड़िया जो टोटल किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो भी टोटल फ्लक्स होता है गुड़िया, किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल जितना भी फ्लक्स होता है वो गुड़िया बात करें क्या होता है, उसके अंदर उपस्थित चार्ज के दीदी बात करें वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, सोच पा रहे? लेकिन इसमें पूछता है गुड़िया बात करें बताओ इसके किसी एक फेस के लिए, किसी एक फेस के परिता, अगर बेटा आपने देखो हमारे पास अगर आपने क्यू बनाया तो क्यू में गुड़िया सिक्स फेस होती है, एट कॉर्नर बनने पड़ा है सॉलिड स्टेट में, याद है ना बेटू बात करें, तो अगर ये हमारे पास फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है, ये थर्ड है बेटा, ये फोर्थ है, ये आगे वाली गुड़िया बात करें सोच पा रहे, ये फिफ्थ है और ये पीछे वाली क्या है गुड़िया सिक्स है, ऐसी छह फेस है, तो अगर छह फेसों में से अगर पूछे एक फेस के लिए गुड़िया बात करें हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे टोटल गुड़िया बात के फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स हमने कितना निकाला क्यू ऊपर एप्सिलॉन निकाला, तो टोटल फ्लक्स का बेटा बात करें वन अपॉन क्या जाएगा सोच पा रहे, वन अपॉन बेटा बात करें नंबर ऑफ फेसेस आ जाएगा, मतलब बेटा बात करें वन अपॉन सिक्स आ जाएगा, क्या जाएगा वन अपॉन सिक्स, तो अगर ये तो है गुरु टोटल, टोटल की बात अगर कोई पूछे बताओ बेटा बात करें फ्लक्स फॉर बेटा बात करें किसके लिए वन सरफेस, इनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल गुड़िया बात करें सरफेस, क्या बोलते हैं आइडेंटिकल सरफेस, तो एक सरफेस के लिए बेटा बोलू कितना आएगा, एक सरफेस के लिए आएगा टोटल फ्लक्स बेटा बात करें सोच पा रहे इंटू वन अपॉन एन, वन अपॉन एन का मतलब क्या है जितनी गुड़िया बात इसके अंदर क्या होती है फेसेस होती है, तो इसके लिए अगर कोई आपसे पूछे तो अपन क्या लिख सकते बताओ बेटू बात करें क्यू टोटल अपॉन सिक्स करोगे नहीं करोगे, इस तरीके से आ जाएगा, कर जाओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो फ्लेक्स बुढ़िया बात करें क्या होता है वो तो आपको पता चला, पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है आपको, आपको नीट देना है आपके लिए बिल्कुल भी नहीं, बुढ़िया बात करें फ्लेक्स क्या होता है तो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है पूछेगा ये एप्लीकेशन आती है कि आपको फ्लेक्स क्या होता है कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले आपने क्या पढ़ा फ्लेक्स बुढ़िया बात करें साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, फ्लेक्स केवल डिपेंड करेगा बुढ़िया बात करें क्लोज सर्फेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज पर। दूसरी कंडीशन आपसे पूछा गुड़िया बात करेंगे अगर चार्ज बाहर और अंदर है तो गुड़िया बात करें बताओ कहां क्यों डिपेंड करेगा, बाहर की चार्ज पर और अंदर की चार्ज दोनों पर, कि गुड़िया केवल बाहर की चार्ज पर, बाहर की पर डिपेंड नहीं करेगा ना ही दोनों पर डिपेंड करेगा केवल अंदर की चार्ज पर डिपेंड करेगा, तो हमको पता है बेटा बात करें द वैल्यू ऑफ फ्लक्स ठीक है ना ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज डिपेंड ऑन बेटा बात करें चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट बेटा बात करें इनसाइड ऑफ स्फीयर नॉट डिपेंड ऑन बेटा बात करें चार्ज व्हिच इज लोकेटेड आउटसाइड, ठीक है। थर्ड आपने क्या बोला इफ द वैल्यू ऑफ चार्ज गुड़िया बात करें इनसाइड ऑफ स्फीयर इनसाइड ऑफ क्लोज सरफेस इज जीरो देन गुड़िया बात करें हमारे पास वैल्यू फ्लक्स विल बी जीरो या विल आल्सो बी जीरो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या बोला गुड़िया बात करें कोई ऐसी क्लोज सर्फेस है जिसकी गुड़िया बात करें सेंटर पे चार्ज क्यों रखा है और इनकी गुड़िया बात करें हर एक फेस की वैल्यू क्या इक्वल है मतलब सिमेट्रिकल लाइन है, इसको अपन देखो गुड़िया ए ए ए ए इसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिकल बॉडी, क्या बोलते दोस्त सिमेट्रिकल बॉडी, तो अगर कोई गुड़िया बात करे बॉडी हमारे पास ऐसी है जो सिमेट्रिकल लाइन से बनी हुई है, आपको पता है क्यूब में दीदी बात कर लेंथ भी कितनी होती है ए, दीदी याद है आपको विड्थ भी कितनी होती है और हाइट भी कितनी होती है, अल्फा बीटा एंगल याद है अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है सब 90 डिग्री होते हैं, तो फेस दीदी बात करें मतलब कोर भी एज लेंथ भी बराबर होती है और फेस एंगल भी बराबर होते हैं, तो इनको बेटा बोलते हैं सिमेट्रिकल बॉडी, सिमेट्रिकल लाइन ऑब्जेक्ट में गुड़िया किसी भी एक फेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा मतलब इस फेस से, आपको पता है गुड़िया जैसे मैंने ये बनाया था अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं कहां दिखाऊं गुड़िया बात करें ये था दिखाऊं ये एक सिमेट्रिकल दिख रहा है माने क्यू है बेटा सिमेट्रिकली तो है, तो अगर बेटा बात कर बोलो इसके अंदर आपने चार्ज रखा क्यू क्या रखा दोस्त चार्ज क्यू रखा चार्ज क्यू रखा, तो बताओ गुड़िया बात का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने बोला था गुड़िया बात का इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्सेस हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं किसी भी सरफेस से याद है दोस्त, अरे यार अरे नहीं अरे अभी आपने गोला बनाया तो उससे परपेंडिकुलर निकलेगी निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज रखा तो इसकी गुड़िया रेडियली आउटवर्ड निकलेगी इससे, इधर से
इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से भी निकालो, बुढ़िया बात करें, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, समझ में आ रही है? अगर आपने यहाँ पे चार्ज क्या रखा, प्लस रखा है, और अगर माइनस रखते तो क्या होती बताओ, रेडियली इनवर्ट होती कि नहीं होती दोस्त? तो मुझे ये पूछना चाह रहा है वो आपसे कि बुढ़िया बात करें, हाँ हर जगह से निकल रही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का नंबर। हाँ तो बुढ़िया बात करें, टोटल इस बॉडी से कितनी लाइनें निकल रही है, वो दीदी इस बॉडी का बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन वो पूछ रहा है नहीं, मुझे किसी एक का, जैसे ए बी सी और डी, इस इलेक्ट्रिक गुड़िया इस फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे, इस केवल और केवल गुड़िया इस फेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ही तो कहना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ रहा है? तो ये बेटा बात करें बोलो क्या होगा, किसी सिमेट्रिकल लाइन बॉडी के दीदी बात के अंदर अगर क्यू चार्ज रखा है तो उसकी एक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा। तो पहले टोटल फ्लक्स निकालो बेटा, क्या निकालना पड़ेगा आपको, टोटल फ्लक्स दीदी निकालो, टोटल चार्ज अपन गुड़िया बात करें एब्सोल्यूट का भाग लगा दो, तो टोटल फ्लक्स आ गया। और टोटल फ्लक्स के बाद दीदी बात करें क्या कर दो, वन अपॉन एन का मल्टीप्लाई कर दो। वन अपॉन एन का मतलब क्या है गुड़िया बात करें, नीचे एन क्या है, नंबर ऑफ फेसेस, क्या है दोस्त, नंबर ऑफ फेसेस। तो गुड़िया पूछे कोई बताओ हमारे पास वन फेस के लिए कितना आएगा, तो क्यू बेटा बात करें मतलब फाइव, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वन फेज इक्वल टू आ जाएगा टोटल फ्लक्स अपॉन बेटा बात करें सिक्स, आएगा कि नहीं आएगा, निकल जाएगा कि निकल जाएगा। इस तरीके से बोलो बात करें, क्वेश्चन पूछेगा, चलो करो नोट बेटा फटाफट। इसकी सहायता मतलब किसकी सहायता से, गॉस थ्योरम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। We can find out the electric field intensity, हाँ कि ना, with the help of Gaussian theorem. तो Gaussian theorem की help से बुढ़िया बात करें क्या निकाल सकते हैं अपन, electric field intensity निकाल सकते हैं। बताओ बुढ़िया इसका formula अगर आपने देखा तो कितना आ जाएगा, ये बुढ़िया डॉट लगाएंगे तो cos आ जाएगा। और आपको पता है बुढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटू बात करें एरिया वेक्टर में, बताओ क्या एंगल होता है, जीरो डिग्री का, समझ पा रहे? इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा, समझ में आ रहा है? छोटे छोटे से एरिया को डीएस डीएस को मिला करके पूरा एरिया ए आ जाएगा ना बुढ़िया। तो अपने क्या लिखते हैं सीधा हमारे पास, ई ए कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, बताओ बोलू, टोटल क्यू अपॉन जी, बिल्कुल। तो लिखो बुढ़िया बात करें हमारे पास, जी बिल्कुल, ई ए कॉस थीटा, सोच पा रहे बेटू बात करें, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, समीशन क्यू जितना भी करना है, टोटल क्यू अपॉन बुढ़िया बात करें कितना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, करो जल्दी फटाफट। स्मॉल क्यू लिखा है आपने तो स्मॉल क्यू लिख लो, जो लिखना है वो लिखो। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्त, बंद करो ये ब्रश, उसी में